दोस्तों नमस्कार। 22 जुलाई 2020, आज तो 22 जुलाई 2020 है। ये मेरे पास जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है प्रदीप जी पालीवाल का, स्वर्गीय प्रदीप जी पालीवाल। राजसमंद के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। आज से एक बरस पहले, यानी कि सन 2019 में इनका स्वर्गवास हो गया। 22 जुलाई को प्रदीप जी पालीवाल कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर हैं, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के खास मित्र हैं। राजसमंद जिले में प्रदीप जी पालीवाल सीपी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक में चलते थे। स्वर्गीय प्रदीप जी पालीवाल की पत्नी आशा जी पालीवाल पूर्व में राजसमंद नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी है। इनके एक लड़का भी है जिनका नाम संदीप पालीवाल है, लड़की भी है जिनकी शादी उदयपुर में कर रखी है। कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीमान प्रदीप जी पालीवाल बहुत ही लोकप्रिय और यारबाज आदमी थे। क्रिकेट की जहाँ बात करें तो प्रदीप पालीवाल राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से प्रदीप जी पालीवाल का एक वर्ष पूरा हो गया है। इस मौके पर आप ये फोटो देखें, एक वर्ष के बाद में राजसमंद के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आशा जी पालीवाल के साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि दी, बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की। कई वरिष्ठ कांग्रेस के और कई वरिष्ठ बिजनेसमैन और राजसमंद कांकरौली के व्यक्ति भी यहाँ पधारे। तो एक बार फिर मैं, कारण कि मेरे भी अपने दोस्त थे खास प्रदीप जी पालीवाल के साथ, मैं भी 15-20 सालों से उनका मित्र हूँ, तो दर्द तो होता है। एक बार फिर जो प्रदीप जी पालीवाल की पत्नी है आशा जी पालीवाल, भगवान उनको हिम्मत दे, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक श्रद्धांजलि सभी की ओर से। उन आँखों का हंसना भी क्या,
वेरी गुड, बहुत अच्छा गाना गाया। भाभी जी हम आपको कौन सा गाना दें, क्योंकि आप तो पूर्व में हमारे राजसमंद की महापौर रह चुके हैं। दोस्तों ये है आशा जी पालीवाल, मेरे खास दोस्त प्रदीप जी पालीवाल की मतलब धर्मपत्नी है, हमारी भाभी जी है और राजसमंद की है। तो भाभी जी हम तो चाहेंगे कोई लता मंगेशकर का, अच्छा क्योंकि भाई साहब तो मुकेश के गाते हैं, ये दो चार सभी है भाभी जी है, वो गा देगी आपके साथ। चलो अजीब दास्ता है ये, कहां शुरू कहां खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न हो समझ सके न हम, तुम्हें मुबारक है कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए।